नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। कृषि कानून के खिलाफ किसानों की लड़ाई जारी है। 18 दिन से नॉनस्टॉप धरने के बाद आज किसान 9 घंटे की भूख हड़ताल कर रहे हैं। दिल्ली बॉर्डर पर किसान अनशन पर बैठे हैं। सुबह 8 बजे इसकी शुरुआत हुई और ये भूख हड़ताल शाम 5 बजे तक चलने वाली है। आपको हम अलग अलग बॉर्डर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, सभी जगह किसान यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तो किसानों का ये अनशन लगातार जारी है। इसके अलावा आज किसान सभी जिला मुख्यालयों के बाहर भी प्रदर्शन करेंगे। इसी बीच इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। आपसे कुछ देर पहले गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी उग्र हो गए। किसान प्रदर्शनकारियों ने गाजीपुर बॉर्डर पर पहले जाम लगा दिया। नेशनल हाईवे 9 पर किसानों ने जाम लगा दिया। दिल्ली से यूपी जाने वाले रास्तों को भी ब्लॉक कर दिया गया था। फिर वो धरने पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। गाजीपुर बॉर्डर पर काफी देर तक हंगामा होता रहा। बाद में पुलिस ने किसानों को नेशनल हाईवे 9 से हटाकर जाम को खत्म करवाया। तो ये गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें आप अब से कुछ देर पहले की देख रहे हैं, जहां ये किसान जो प्रदर्शनकारी हैं ये उग्र हो गए। इन्होंने यहां पर रास्ता रोक दिया, लोगों को आवाजाही में परेशानी होने लगी। ये NH9 है आपको बता दें, जिस कारण लोगों को काफ़ी परेशानी हुई क्योंकि यहां पर जाम लग गया। तो ये भी एक कारण था लोगों की परेशानी का। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने हंगामा भी किया और इसी के चलते यहां पर जाम जैसी स्थिति भी पैदा हुई। बाद में पुलिस ने किसानों को समझाया और ये खुलवाया। गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद हूँ और ये NH9 की तस्वीर है। दरअसल उत्तर प्रदेश से दिल्ली की तरफ जाने वाला रास्ता पहले से ही ब्लॉक था, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहाँ पर हुड़दंग मचाते हुए नजर आ रहे हैं। जो दिल्ली से उत्तर प्रदेश की तरफ जाने वाला रास्ता है उसे भी इन्होंने यहाँ पर ब्लॉक कर दिया है। यहाँ पर देखिए पूरा ट्रैफिक जाम लगता हुआ नजर आ रहा है और ये बीते कई दिनों से इस पर सामान्य परिचालन हो रहा था। ये दो लेन खुली हुई थी जो दिल्ली से उत्तर प्रदेश की तरफ यानी मेरठ, हापुड़, राजनगर या फिर मेरठ की तरफ कह लें वो जाता है, लेकिन यहाँ पर देखिए प्रदर्शनकारी इन लोगों ने यहाँ पर इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया है। अभी तक ये रास्ता पूरी तरह से खुला हुआ नजर आ रहा था। तमाम लोग हैं जो यहाँ पर जा रहे हैं। आप लोग कहाँ के लिए जा रहे थे? ऑफिस। ऑफिस जा रहे हैं आप लोग? अभी रास्ते को ब्लॉक कर दिया इन लोगों ने। हाँ, ऑफिस ही जा रहे थे। मैं तो फिर भी हॉस्पिटल में काम करता हूँ, ये अब जाने ही नहीं दे रहे। क्या आप लोगों को लगता है कि ये एक तरीका है जो अपना प्रदर्शन, अपना विरोध जताने का, जिससे आम जनता को प्रॉब्लम हो? आम जनता को कभी भी हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। हर किसी का अपना अपना तरीका होता है। पहले वहाँ बैठे थे वो ठीक था, अब यहाँ आने के लिए इन्होंने एकदम जाम कर दिया, वो गलत है। सर कहाँ से कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं आप? नोएडा जा रहे हैं। अब रास्ता ब्लॉक हो गया है। हाँ तो क्या करें सर, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? अभी तक ये रास्ता चल रहा था, सामान्य परिचालन था इस पर। क्या इस तरह से विरोध को आप लोग सही कहते हैं? अब इसके बारे में सर हम लोगों को ज़्यादा समझ में नहीं आता इसका, गवर्नमेंट का इनके बीच के इशू क्या है। इनकी मांग अगर पंजाब से आया तो कुछ ना कुछ तो बड़ा होगा ही। दिक्कत आप झेल रहे हैं? दिक्कत तो हो ही रही है पूरा। रोजाना आपका आना जाना यहाँ से होता है? रोजाना होता है। प्रॉब्लम तो बहुत है। तो देखिए यहाँ पर ये NH9 की तस्वीर है जो दिल्ली से उत्तर प्रदेश की तरफ ये रास्ता आता है और धीरे धीरे देखिए यहाँ पर ट्रैफिक जाम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने सड़क को पूरी तरह से रोक लिया है। आप लोगों ने एक तरफ का रास्ता आप लोगों ने रोका था, दूसरी तरफ का रास्ता क्यों रोक रहे हो? मोदी मीडिया। आप लोग दूसरी तरफ का रास्ता क्यों ब्लॉक कर रहे हैं? हमारे जो बड़े नेता वो बताएंगे इस बात को। आप लोग दूसरा रास्ता क्यों ब्लॉक कर रहे हैं? मालूम करो। यहाँ पर देखिए सवाल करने पर इनके पास जवाब नहीं है। इनका यही कहना है कि जो इनके लीडर्स हैं उन्होंने इस तरह करने के लिए उन्हें निर्देश दिया है। तस्वीर आप देखिए यहाँ पर, अब दोनों जो लेन ब्लॉक थे और दो लेन जो खुले हुए थे, अब चारों लेन जो है वो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुके हैं। हालांकि प्रशासन यहाँ पर वो किसी भी तरह से कोई एक्टिविटी उनकी नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पर प्रशासन के लोग पहुंचते हुए हैं लेकिन उसका कोई असर यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। चलिए एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। गाजीपुर बॉर्डर से ही ये तस्वीर सामने आई है। किसानों के हंगामे के चलते कैसे जाम लग गया, लोगों को किस तरह से परेशानी होने लगी, देखिए सहयोगी दीक्षा पांडे की एक और रिपोर्ट। गाजीपुर बॉर्डर पर
पिछले 18 दिनों से प्रदर्शन चल रहा था और आज 19वां दिन है। आपको बता दें कि यहाँ प्रदर्शन के दौरान जो उत्तर प्रदेश से दिल्ली की तरफ जाने का रास्ता है उसे ब्लॉक किया गया था, लेकिन आज यहाँ पर जो तमाम प्रदर्शनकारी हैं वो अपने प्रदर्शन स्थल से उठ के यहाँ पर पहुँच गए और इन्होंने ये रास्ता ब्लॉक कर दिया है। फिलहाल आप ये तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पर NH9 को यानी जो दिल्ली से उत्तर प्रदेश की तरफ जाने वाला रास्ता है वो रास्ते को ब्लॉक कर दिया है और तमाम गाड़ियाँ यहाँ पर पूरी तरह से रुक चुकी हैं। लंबा ट्रैफिक जाम यहाँ पर लग चुका है। तस्वीर हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं ये किस तरह से एक अराजक कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने NH9 को दोनों तरफ से ब्लॉक कर दिया है और लंबी तादाद यहाँ पर गाड़ियों की नजर आ रही है। अब समझिए कि आम जनमानस को कितनी समस्या इसके लिए झेलनी पड़ रही है। और ये वो लोग हैं जो सुबह के वक्त यहाँ से ऑफिस के लिए गुजर रहे हैं, लेकिन अब इनका रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है और प्रदर्शनकारी लगातार इस रास्ते पर रुक कर नारेबाजी कर रहे हैं। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आप इंदौर हैं क्या? या आप कहाँ जा रहे हैं? मैं हम नोएडा के लिए जा रहे हैं। कहाँ पे? नोएडा के लिए जा रहे थे। क्या कोई बुकिंग थी आपकी? हाँ जी, अभी मेरा ड्रॉप करना। आपके ये ट्रैफिक जाम हो चुका है पूरी तरह? हाँ मैम, अब तो हो गया। इस प्रदर्शन के चलते आप लोग कितनी समस्या झेल रहे हैं? मैडम अभी तो आज तो हमने पहली बार झेला है अभी तो। देखिए ये NH9 की तस्वीर हमने आपको दिखाई, इसे ब्लॉक कर दिया गया है फिलहाल और आम लोगों को कितनी समस्या यहाँ पर झेलनी पड़ रही है। कैमरा पर्सन जगदीश के साथ दीक्षा पांडे, TV दिल्ली। तो दीक्षा की आपने रिपोर्ट देखी, वहीं पुलिस ने कैसे जाम को खत्म किया, किसानों को नेशनल हाईवे 9 से कैसे हटाया, एक और रिपोर्ट आपको दीक्षा पांडे की दिखाते हैं, देखिए। NH9 के दोनों रास्तों को ब्लॉक करने के बाद यहाँ पर सिक्योरिटी पूरी तरह से मुस्तैद हो गई है। दरअसल यहाँ पर लगातार शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन अचानक से यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं उनमें शामिल कुछ लोगों ने आकर दिल्ली से उत्तर प्रदेश की तरफ जाने वाला जो रास्ता है, मेरठ हापुड़ गाज़ियाबाद इस तरफ जो जाने वाला रास्ता है उसे ब्लॉक कर दिया। फिलहाल इस रास्ते को एक बार फिर से खोल दिया गया है और 15 मिनट तक इस पूरे रास्ते को ब्लॉक किया गया था, जिससे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जाम यहाँ पर लग गया। लेकिन यहाँ पर सुरक्षा बलों के मुस्तैदी के चलते यहाँ पर जो रास्ता है वो फिर से खुल चुका है। पुलिस पूरी तरह से एक्टिव हुई और प्रदर्शनकारियों को उन्होंने उन दोनों लेन से यहाँ पर हटाया। तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ पर सवाल करने पर इनके पास कुछ जवाब नहीं था। इनका यही कहना था कि इनके लीडर्स ने इन्हें इस बात का निर्देश दिया है, इसलिए यहाँ पर इन्होंने रास्ते को ब्लॉक किया। कैमरा पर्सन जगदीश के साथ दीक्षा पांडे, TV दिल्ली।